नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द इंडियन एस में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए दोस्तों, जानते हैं 6 जून के इतिहास के बारे में। 1674 में आज ही के दिन शिवाजी महाराज का रायगढ़ के किले में राज्याभिषेक किया गया था। आज से 343 साल पहले 6 जून 1674 को शिवाजी मुगलों को परास्त कर लौटे थे। शिवाजी महाराज का मराठा शासन के रूप में राज्याभिषेक हुआ था और इसी समय इन्हें छत्रपति की उपाधि भी दी गई थी। आज ही के दिन साल 1881 में हिंदी के मशहूर साहित्यकार गिरिधर शर्मा नवरत्न का जन्म हुआ था। गिरिधर शर्मा को हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग का लेखक कहा जाता है। साहित्यकार होने के साथ साथ वो एक राष्ट्रभक्त भी थे। आज ही के दिन साल 1939 में देश के मशहूर एथलीट गुरुबचन सिंह रंधावा का जन्म हुआ था। आपको बता दें कि गुरुबचन सिंह ने 1962 के एशियाई खेलों में डेक्लॉन में स्वर्ण पदक हासिल किया था। इसके अलावा उन्होंने 1960 और 1964 के ओलंपिक में 110 बाधा दौड़, ऊंची कूद और डेकाथलॉन में भाग लिया था, जिसमें वो पांचवें स्थान पर रहे थे। उन्हें 1961 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी के साथ इस पुरस्कार को पाने वाले गुरुबचन सिंह पहले एथलीट हैं, साथ ही उन्हें 2005 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया जा चुका है। आज ही के दिन साल 1981 में बिहार के मानसी से सहरसा जा रही ट्रेन बागमती नदी में गिर गई थी, जिसमें लगभग 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। ये हादसा अब तक का सबसे बड़ा रेल हादसा माना जाता है। आज ही के दिन साल 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार अभियान को उसके अंजाम तक पहुंचाया गया था। आपको बता दें कि जनरल सिंह भिंडरांवाले और उसके समर्थकों को स्वर्ण मंदिर से खदेड़ने के लिए इस अभियान की शुरुआत हुई थी। सिखों के लिए अलग देश की मांग कर रहे भिंडरांवाले को सेना ने आज के दिन मौत के घाट उतारा था। हालांकि इस अभियान में जहां 493 आतंकी मारे गए थे, तो वहीं 83 सैनिकों की जाने गई थी, जबकि 249 सैनिक घायल हो गए थे। इसी के साथ आपको बता दें कि इस अभियान में कई आम नागरिकों की भी मौत हो गई थी। आज ही के दिन साल 1999 में भारत की मशहूर जोड़ी लिएंडर पेस और महेश भूपति ने टेनिस का ग्रैंड स्लैम जीता था। आपको बता दें कि पेस और भूपति की जोड़ी ने अमेरिकी युगल गोरेन, आइवी निस्विक और जेफ टेरेंगो को 6-2, 7-5 के सीधे सेटों में हराया था। तो दोस्तों, आज के इतिहास में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।